झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। अगर हम भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हिंदूकरण का यह कार्यक्रम राष्ट्रीयकरण का हिस्सा है, और उस पर आखिर आपत्ति क्यों? जो विदेशी होगा उसको विदेश में भेजेंगे, जो भारत का होगा भारत में रहेगा। झूठे बर्तन को साफ करते होंगे तो आप जानते होंगे कि आपके हाथ में कालिक लगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस कालिक को कोई अपने मुंह में पोत ले। योगी आदित्यनाथ जितनी आक्रामक भाषा में हिंदू राष्ट्र की हिमायत करते आए हैं, उतनी ही आक्रामकता उनकी निजी सेना यानी हिंदू युवा वाहिनी की रैलियों और प्रदर्शन में दिखती रही। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं जो कुछ वक्त पुरानी। अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी आंखों में हिंदू राष्ट्र का सपना धुंधला पड़ गया। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। हिंदुत्व देश के ही सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने इस बारे में स्पष्ट अपना आदेश जारी किया है। यह कोई मत, कोई मजहब या उपासना विधि नहीं है, एक वे ऑफ लाइफ है। अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए, उसमें खुशहाली लाने के लिए यह राष्ट्र उचित है, यह रास्ता उचित है, तो मुझे लगता है हमें उस रास्ते को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले सपने को पूरा करने के लिए उनकी अपनी बनाई हुई 15 साल पुरानी फौज एक बार फिर एक्टिव हो चुकी है। हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक योगी आदित्यनाथ ने इसे हमेशा सांस्कृतिक संगठन बताया। उत्तर प्रदेश में सबूत खुद ब खुद मिल जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिंदू युवा वाहिनी का सदस्य बनने के लिए लगातार इस संगठन में जुड़ने वाले युवाओं की तादाद बढ़ रही है। अभी तक हिंदू युवा वाहिनी में इतनी तेजी नहीं दिखी थी, लेकिन यूपी में योगी सरकार बनते ही बहुत तेजी से इस हिंदूवादी संगठन का विस्तार होने लगा है। आलम यह है कि सदस्यता के लिए रोजाना हजारों ऑनलाइन आवेदन आ रहे हैं। रिपोर्ट ये भी आई है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ने के लिए रोजाना 5000 आवेदन आ रहे हैं, जबकि इससे पहले मुश्किल से ये संख्या 100 या 200 थी। हम आपको खास जानकारी ये दे दें कि हिंदू युवा वाहिनी का गठन 2002 में खुद योगी आदित्यनाथ ने ही किया था।